आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस अग्रवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023, उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 74। अगर आपके पास एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक अवेलेबल है, बहुत इजी वे में मैंने समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, वहां पे सीखो समझो जानो और फिर आके मेरे साथ सॉल्व करो यहाँ के न्यूमेरिकल। चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं जो कि बेस है नवीन कादिर और राजेश पे, जहां पे हमें ये बताया गया है इस क्वेश्चन का जो मेन है ये बता रहे हैं कि इन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था उत्तराखंड में, जिसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर इस कंपनी में कुछ फिक्स कैपिटल भी इन्वेस्ट करी थी। जो फिक्स कैपिटल के अमाउंट थे वो थे 4,00,000, 3,60,000 एंड 2,40,000। अब इन्हें जो भी कंपनी में प्रॉफिट हुआ था वो प्रॉफिट बढ़ चुका था डिफरेंट ईयर में विद डिफरेंट रेशियो, ठीक है। 2017 का जो रेशियो था वो 3:2:1 में बढ़ चुका था और जो 2018 का प्रॉफिट था वो 5:3:2 में बढ़ चुका था। अब हमें करना ये है कि क्वेश्चन में ये कहता है कि कंपनी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में अलाउ ही नहीं था कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन फिर भी हमने क्या करा, पार्टनर्स को दोनों साल में अलग अलग ईयर्स में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। अब जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे कर दिया है तो अब वो कह रहे हैं कि ये तो पार्टनरशिप डीड में था ही नहीं, तो यानी कि ये हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस मंगाना है, यानी पार्टनर के पास एक गलती से चला गया पैसा, तो ठीक है हम ये पैसा वापस मंगाएंगे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ पे भी करना है? यस, पे करना है। कहते हैं पार्टनर को सैलरी पे करनी है, लेकिन कितनी? 3,500 एंड 4,000 पर क्वार्टर। तो हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारा जो पास एडजस्टमेंट का फॉर्मेट हमने बनाया है उसमें हम डायरेक्टली बस एंट्रीज को कर पाएंगे, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर आएगी पहली कैलकुलेशन हमारी, जो कि बेस्ड होगी हमारी पार्टनर्स की सैलरी, किस पार्टनर्स को सैलरी मिलनी चाहिए थी दोनों ईयर्स में, जो कि नहीं मिली है, ओमिटेड है क्वेश्चन में बताया, यहाँ पर भूल गए थे। तो हमें क्या करना है, 3,500 × 4 को हम कैलकुलेट करेंगे, देन 4,000 × 4 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यानी कि इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारे पार्टनर्स को कितनी कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी। तो पहले पार्टनर को जो मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए 14,000 और दूसरे को मिलनी चाहिए 16,000, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर यानी 2017 में भी हमारा जो पहला पार्टनर है उसे 14,000 मिलने थे, फिर उसे यहाँ पे 2018 में भी मिलने थे, फिर इसके साथ साथ हमारा जो यहाँ पे दूसरा पार्टनर है जो कि है कादिर, इसको भी 16,000 की सैलरी मिल रही थी 2017 में भी और 2018 में भी, ये दोनों ही टाइम इन्हें नहीं मिली है। तो हम पे करेंगे, कोई बात नहीं, पे भी कर देंगे। अब इसके बाद कैलकुलेट कर ले, हमने यहाँ पे सैलरी कैलकुलेट कर ली, बस हमें ये ध्यान रखना है 14,000 16,000, तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अभी हम करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट फटाफट से, कि दोनों ही ईयर में हमने गलती से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है वो कितना कितना पे करा है, फटाफट से इसे कैलकुलेट करते हैं। सो पहले पार्टनर के जो कैपिटल थी वो थी 4,00,000 रुपीज, उस पर हमने 6% दिया है, तो 6% का मतलब हो गया यहाँ पे 24,000 रुपीज, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा दूसरा पार्टनर है, उसकी भी यहाँ पे क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने उसको कितना पे करा है। तो हमारा जो दूसरा पार्टनर है जिसकी कैपिटल यहाँ पे कितनी बताई है, 3,60,000 बताई है, ठीक है। सो 3,60,000 का भी हम क्या करेंगे यहाँ पर 6% कैलकुलेट करेंगे, जो कि होगा 21,600, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ये भी पता चल गया। इसी तरह से हम लास्ट वाले पार्टनर की भी कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, जो कि कितने में निकलेगी, 2,40,000 पे। सो हम लिखेंगे 2,40,000 × 6/100, अब ये आएगा हमारे पास 14,400, ठीक है। तो हमें तीनों पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चल गया कि हमने गलती से कितना कितना उन्हें पे कर दिया। हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट बनाना है पर्टिकुलर पार्टनर्स के नेम और फर्म का कॉलम, ठीक है। ये बन गया हमारा पास एडजस्टमेंट का फॉर्मेट। हमें अब क्या करना है, ये जो हमने गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया इसे पहले तो वापस मंगाएंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC कॉल्ड बैक, ठीक है, हमने वापस मंगा लिया। इट मीन्स वापस मंगाने का मतलब हुआ कि नवीन के अकाउंट से हमने यहाँ पे माइनस करना है कितना, 24,000, ठीक है, हमने माइनस कर लिया। इसके बाद कादिर के अकाउंट से भी हमें माइनस करना है, जो कि कितना करेंगे, 21,600 हमने माइनस कर दिया। इसके बाद 14,400 हमने माइनस करना है, ठीक है, कर दिया। अब इसके बाद जब हमने इन तीनों के अकाउंट से पैसे माइनस कर रहे, तो पैसा कहाँ चला गया, कंपनी के पास वापस आ गया। इट मीन्स कंपनी इस वक्त कितने के प्रॉफिट में आ गई, 60,000 के प्रॉफिट में आ गई। अब हमें करना यह है कि हमारे पास प्रॉफिट आ गया, अब हमने जो पे नहीं करा था वो पे करते हैं। क्या पे करना था, हमें सैलरी पे करनी थी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सैलरी पे करते हैं, ठीक है, सैलरी पेड,
चलो सैलरी पेड के अब नाम पर हमें कितनी कितनी सैलरी देनी है, अभी हमने निकाला था 14,000 और 16,000, किस किस को देनी थी, नवीन और कादिर को, तो हम क्या करते हैं इनके अकाउंट में 14,000 यहाँ पर प्लस करेंगे और 16,000 यहाँ पर प्लस करेंगे, और राजेश को कुछ नहीं मिला, अब कंपनी से क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो कंपनी से हम 30,000 को ब्रैकेट में दिखा के माइनस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना हमने कर दिया, अब हमें क्या करना है बैलेंसिंग फिगर निकालना है, हम यहाँ पे करेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हम क्या निकाल रहे हैं बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर का मतलब हुआ कि अब प्लस माइनस करने का समय आ चुका है, तो जब हम यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस बचेगा जो कि कितना बचेगा, माइनस का 24,000 और प्लस का 14,000 यानी माइनस का 10,000 आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास माइनस का 21,600 और प्लस का 16,000 जब करेंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा वो बचेगा 5,600, ठीक है, वो भी माइनस का। इसके बाद हम क्या करेंगे इसका बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो कितना आएगा 14,400 ही आएगा, ठीक है, 14,400 माइनस में। अब यहाँ पे कितना बैलेंस बचेगा, कंपनी में प्लस का प्रॉफिट था 60,000 जिसमें 30,000 तो खर्च हो गए, अब बचे कंपनी के पास 30,000 प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट का क्या करेंगे, इस प्रॉफिट को बांट देंगे पार्टनर्स में, लेकिन ये कौन सा ईयर का प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है ये है हमारा पिछले साल का, तो इसको किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1 में बांटेंगे, ठीक है। सो दिस 30,000 को हम क्या करेंगे 3:2:1 में बांट देंगे, तो जब हम इसको 3:2:1 में बांटेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 30,000 को 15,000 इसको मिल गए, 10,000 इस पार्टनर को मिल गए और 5,000 इस पार्टनर को मिल जाएंगे और कंपनी से माइनस हो जाएंगे 30,000। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो हम फटाफट से उसको भी निकाल लेते हैं। तो कंपनी का अकाउंट तो क्या हो गया, यहाँ पे निल हो गया यानी जीरो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं जीरो, तो यहाँ पे तो ये हो गया जीरो, लेकिन अब दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा प्लस और माइनस है, यानी कि प्लस की वैल्यू ग्रेटर है और सॉरी माइनस की वैल्यू क्या है ग्रेटर है और प्लस की वैल्यू कम है ना, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा जो कि कितना होने वाला है 9,400 होने वाला है, ठीक है, 9,400 होने वाला है माइनस में। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो 10,000 प्लस में और 5,600 माइनस में है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर आएगा प्लस में आएगा जो कि होगा प्लस का 4,400। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लस का 5,000 का बैलेंस, ठीक है। अब ये जो बैलेंस बच गया ये कब का बचा है, 2017 का। अब हम इसे क्या करेंगे, हम बाद में सिंगल जर्नल एंट्री पास करेंगे, तो फिलहाल इतना जो हमने करा ये हमारा 2017 का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हमें एक बार 2017 के बाद का जो 2018 का था उसमें भी करेक्शन लेकर आना है, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं, यहां से 2018 का अलग बनाते हैं। चलिए अब हमारे पास क्या करना है, 2017 में जो गलती हुई थी इंटरेस्ट बांट दिया था वो वापस लिया, फिर सैलरी नहीं दी थी वो पे कर दी, अब हमने क्या करा सब बैलेंसेस निकाल दिया और हमें पता चला इन इन पार्टनर के पास ये बैलेंस बच रहा है। चलो 2017 का तो हमने अभी फिलहाल बना के इतना छोड़ दिया, अब बारी है 2018 की बनाने की, तो यहां से हम बनाएंगे 2018 का, ठीक है। फिर बाद में जो दोनों के बैलेंसेस बनेंगे उन्हें प्लस कर देंगे, प्लस माइनस करके हमारी जर्नल एंट्री पास करेंगे, ठीक है। चलिए अभी हमें क्या करना है, अच्छा यहां पर हमने क्या करा था प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, तो यहां पे लिखना भी है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब ये क्या बचा हमारे पास, बैलेंसिंग फिगर बचा लास्ट में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या करना है, हमें दोबारा से 2018 के लिए एंट्री करनी है जिसमें हम क्या करेंगे प्रॉफिट को वापस मंगाएंगे, प्रॉफिट से मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो आईओसी 2018 में भी गलती से चला गया था तो पहले हम उसी को वापस मंगाएंगे। कितना गया था भाई, सेम गया था 6%, तो हम क्या कर रहे हैं आईओसी कॉल्ड बैक, कितना भाई वही 24,000 रुपए यहाँ पे गया था तो वो वापस मंगा लिया, फिर इससे कितना मंगाया 21,600 मंगा लिया, फिर इस पार्टनर से कितना मंगाया 14,400 मंगा लिया, ठीक है, 6% सबकी कैपिटल का निकाल के। अब कंपनी के पास फिर से क्या आ गए 2018 में भी 60,000 रुपए आ गए। अब कंपनी ने इस बार भी 2018 में क्या नहीं पे करा था, यहाँ पे सैलरी पे नहीं करी थी, सैलरी पे कर देंगे। हमने क्या करा भाई, यहाँ पे 14,000 लिख दिया सैलरी पे कर दी, 16,000 इसे पे कर दी, यहाँ पे कुछ नहीं गया कंपनी से, फिर से यहाँ पे 30,000 रुपए का खर्चा हो गया ब्रैकेट में दिखा दिया, और हमने यहाँ पे लिख दिया सैलरी पेड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फिगर निकालना है फिर से, तो फटाफट से क्या करते हैं बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं।
चलो बैलेंसिंग फिगर करते हैं। बैलेंसिंग फिगर में देखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर फिर से हमारे पास माइनस का 10,000 आने वाला है पहले जैसा ही, फिर यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5,600 आएगा, फिर माइनस का हमारे पास 14,400 आएगा और इधर बचेगा हमारे पास कंपनी के पास फिर से इस साल प्रॉफिट 30,000। अब कंपनी के पास प्रॉफिट बचा है 30,000, तो कंपनी इस प्रॉफिट का क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, लेकिन किस रेशियो में करेगी भाई। इस बार जो रेशियो था 2018 के लिए वो हमारे पास क्वेश्चन में अलग था, कितना था 5:3:2। अब इस बार जो पार्टनर्स के पास प्रॉफिट जाएगा वो जाएगा 15,000, 9,000 और 6,000। तो फटाफट से यहाँ पे हम लिखते हैं और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो यहां पर आएगा हमारे पास 15,000, 9,000 और ये आएगा हमारे पास 6,000। अब कंपनी का जो प्रॉफिट था वो हो गया डिस्ट्रीब्यूट, इसलिए हमने दिखा दिया माइनस में। ठीक, अब इसका क्या करेंगे, आखिरी बार बैलेंस निकालेंगे फटाफट से और फिर हम हमारी जनरल एंट्री की ओर चलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस कितना बचेगा, अगेन यहाँ पे बचेगा प्लस का 5,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, प्लस का 9,000 था और माइनस का 5,600, तो यहाँ पे बचेगा 3,400। ठीक है, सो 3,400। इसी तरह से लास्ट वाला है हमारे पास, जब लास्ट वाला सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी बैलेंस बचेगा 8,400, लेकिन ये बचेगा माइनस में। ठीक है, अब हमने बैलेंस निकाल लिए, बैलेंस हमने 2017 का भी है हमारे पास, ये रहा। ठीक है, और बैलेंस 2018 का भी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे कनेक्शंस क्रिएट करने हैं। यहाँ पे देखते हैं, देखो जो पहला पार्टनर था हमारे पास नवीन, उसका 2017 में कितना बैलेंस था 5,000, 2018 में कितना बचा 5,000, दोनों क्या है प्लस के हैं, तो क्या बन गया 10,000। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10,000, तो एक तो हमारे पास नवीन का हो गया N। ठीक है, अब लिखते हैं कादिर के लिए, कादिर के लिए क्या है भाई 4,400 और 3,400 है, तो दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा 7,800 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही प्लस में बचे हैं, क्योंकि अब इसके बाद ये दोनों माइनस में है, 8,400 और 9,400, जब इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 17,800, वो भी काय का माइनस का। ठीक है, ये किसका है, लास्ट वाले पार्टनर का है, राजेश का। अब ध्यान रखना एक चीज, जब भी पास्ट एडजस्टमेंट में हमारा एक बैलेंस माइनस में होगा और कोई प्लस में होगा, तो माइनस वाले की एंट्री आती है डेबिट में और जो प्लस में होते हैं उनकी एंट्री आती है क्रेडिट में। अब इसमें क्वेश्चन में खास बात और है, क्वेश्चन में कहा था इनकी जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, अगर कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ऐसे में हम कैपिटल की जगह करंट अकाउंट से होकर ये एंट्री को जाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं आर का नाम डेबिट में बिकॉज इसका आंसर माइनस में है और इन दोनों का नाम क्रेडिट में, तो लेकिन आर का मतलब यहाँ पे राजेश हुआ, हम यहाँ पे लिखेंगे राजेश करंट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट फिक्स था इस वजह से करंट अकाउंट से होके जाना पड़ेगा। सो राजेश करंट अकाउंट डेबिट टू नवीन करंट अकाउंट। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला है हमारे पास टू कादिर। ठीक है, करंट अकाउंट, अब हम अमाउंट लिख देंगे भाई, राजेश का अमाउंट कितना आया हमारा 17,800 आया, इसके बाद हमारे पास दूसरे पार्टनर का कितना था, नवीन का 10,000 था और तीसरे पार्टनर का था 7,800। अब बात करेंगे नरेशन की, तो नरेशन में हम लिखेंगे जो एक्टिविटी हमने करी है, एक्टिविटी क्या करी है मैं आपको समझाऊंगा, नरेशन लिखना अब आपका काम, बहुत छोटा सा है, सिंपल सा, हमने क्या करा, हमने सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट कर दिया, तो आप नरेशन लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एडजस्टेड फॉर बोथ ईयर्स, खत्म। आई होप आपको इस क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उन्हें बताएं युग जी अकेडमी इस नाम के चैनल पर, इसके चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ तो सभी चैप्टर वाइज यहां पर आपके क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। ठीक है, टीएस अग्रवाल के, डीके गोयल के, एनसीईआरटी के, और एडिशनली आपको यहां पर लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी। चलिए फिर हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में।